जिले में कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय भी बिजली की सप्लाई बांस और बल्ली पर की जा रही है, जिसके कारण तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 करोड़ का बजट पास कर जिले में सभी क्षेत्रों में बांस बल्ली पर गई बिजली के तारों को हटाकर वहां विद्युत पोल लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसके संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह ने कहा कि बांस बल्ली पर बिजली के तारों की सप्लाई को हटाने तथा विद्युत पोल लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख का बजट दिया है, जिसके लिए लखनऊ की एक कंपनी से करार किया गया है, जो 15 अक्टूबर से काम शुरू कर देगी और दिसंबर के लास्ट तक कार्य पूरा हो जाएगा। जबकि महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि सभी पार्षदों को निर्देशित किया है कि जहां भी बांस बल्ली पर बिजली की सप्लाई की गई है, उसकी सूची संबंधित जेई को देकर पोल को बदलवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह तथा महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अब हम रोक कर हमने तो पैसा तैयार है, आपका सही है कम से कम। चलो क्या मतलब आप मान के चलिए सिर्फ वही लोग कवर होंगे जिन्होंने काश्तकार से जमीनें खरीदी और खेत को एक्सटेंड करते हुए, मतलब जहाँ तक हमारी लाइनें खींची हुई थी उसके आगे खेत खरीद के काश्तकारों से सीधे जमीन खरीद के अगर कंस्ट्रक्शन किया है और पुराने जमाने में उन्हें बांस बल्ली के थ्रू कनेक्शन दिया गया है, तो उसे नियमित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री परम श्री आदित्यनाथ जी महाराज ने 10 करोड़ 95 लाख की धनराशि इसमें स्वीकृत की और इसमें पूरे गोरखपुर जनपद के शहरीकृत क्षेत्र को प्रथम चरण में सम्मिलित किया जाएगा। यह कार्य 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होकर 31 दिसंबर में खत्म होने की पूर्ण संभावना है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कहीं भी बांस बल्ली पर कनेक्शन ना होने पाए। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जो आबादी है उससे अधिक वाले गांव और मजरों में तार बदलने की योजना चल रही है, वो भी करीब 15 अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्तंभ करके एक कंपनी है लखनऊ की, जिसको हमने एग्रीमेंट किया है, वो भी शुरू कर देंगे। मुझे लगता है 3 महीने में वो अपना काम पूरा कर देंगे। हमारे पार्षदों ने रिक्वेस्ट किया था कि बहुत से मोहल्लों में बांस बल्ली पर लाइट जल रही है, जिससे यहाँ की जनता को खतरा है, किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस बात को जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा था और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ की जनता और हमारे सभी 70 वार्डों के पार्षद को मांग को माना और 11 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, जहाँ जहाँ बांस बल्ली पर तार लटका कर लाइट दी जा रही है उसको सबको रिप्लेस किया जाएगा। मैंने पार्षदों से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र के जेई को मुआयना करा कर अपने लेटर पैड पर लिख करके जेई को दें, तो सारे पोल जो जर्जर हैं या बांस बल्ली लगी है सबके सब बदले जाएंगे। अगर नहीं ऐसा करता है जेई उस मामले का, तो मुझे सूचना करें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बांस बल्ली बदल दी जाए।